भिलाई 3 स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। साथ ही सरस्वती निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिल यहां पर वितरित की गई। यहां पर 14 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। भिलाई 3 के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की गई। उत्सव कार्यक्रम में नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, वरिष्ठ जन, शाला जन भागीदारी समिति के सदस्य व जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। वहीं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व शिक्षकों की उपस्थिति में सर्वप्रथम माँ सरस्वती व छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर 5 दीप जलाकर शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही कक्षा पहली एवं छठवीं के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर और पुस्तकें बांटकर उनका हौसला अफजाई कर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश सभी पालकगण के सामने पढ़कर सुनाए गए। हमर सपना हमर स्कूल हमर लयका के तहत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शाला समिति सदस्य एवं पालकगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस मौके पर महापौर और सभापति की मौजूदगी में कक्षा 9वीं की 14 छात्राओं को साइकिल भी वितरित की गई। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर निगम महापौर सभापति एवं शाला के प्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 26 जून से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव 15 जुलाई तक मनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उसी की कड़ी में आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलाई 3 में प्रवेश उत्सव का आशय ये है, जब खुशी होती है तो घर में हम लोग उत्साह मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं और तीज त्यौहार मनाते हैं। तो हमको अपनी ज़िंदगी को गढ़ने के लिए जिस संस्था में आते हैं उस संस्था में भी हमको पर्व मनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 26 जून से लगातार 15 जुलाई तक सारे स्कूलों में प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। उसी की कड़ी में आज हम लोग भिलाई 3 में हैं। वास्तविक रूप से हमको यहाँ का जो माहौल, जितना अच्छा हम माहौल देंगे उतने अच्छे बच्चे वहाँ की से संस्कारी भी होंगे और पढ़ने में पढ़ लिख के आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि एक बड़ी सोच शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किया और न केवल आज भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में भी। एक समय था जब प्रदेश में 270 स्कूल बंद हुआ था। आज स्थिति बस्तर की अलग है। आज जहां बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे उनके लिए न केवल स्कूलों की व्यवस्था की अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 278 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारम्भ किया। हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का भी शुभारम्भ किया। इनके साथ साथ बच्चे तो स्वामी आत्मानंद से पढ़ के निकल जाएंगे, जो 11th 12th करेंगे 12th के बाद उनको कॉलेज ढूंढना ना पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महाविद्यालय की भी स्वीकृति उन्होंने दी है, ताकि हमारे जो बच्चे 12th पास होने के बाद जिनको BSc करना है, जिनको BA करना है या जिनको मैथ्स लेके ग्रेजुएशन करना है उनके लिए भी उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दी है। तो मैं आज के दिन, चूँकि 30 तारीख है, स्वामी आत्मानंद के सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के संस्था प्रमुख को भी बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज में स्कूल चल गढ़े बर पढ़े बर जिंदगी लगढ़े बर ये स्लोगन के साथ आज शुरुआत के हैं। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो सपना लोग देखे थे उसको साकार किए और उन्हीं का देन है आज छत्तीसगढ़ में कि दिल्ली स्तर में सब स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। नरवा गरवा घुरवाबाड़ी का हमारे देश में बहुत ज़्यादा जोर है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसका प्रशंसा किए हैं। ऐसे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे भिलाई 3 स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो हमारी प्राचार्य महोदय है उनका भी बहुत योगदान है। यहाँ कितने पूरे ज़िले में एक बच्चा प्रथम आया है और बहुत सारे बच्चे जो 80% से नीचे नहीं है, ऐसे बच्चे लोगों को ध्यान दे के जो पढ़ा रहे हमारे यहाँ के प्राचार्य महोदय उनको भी बहुत धन्यवाद और आगे हमारे मुख्यमंत्री भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे
स्कूलों पे उनका ध्यान रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे शाला में हम लोग शाला प्रवेश उत्सव और साइकिल सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखे हैं और आज हमारे माननीय महापौर जी और हमारे माननीय सभापति जी नगर निगम भिलाई चरोदा के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के कर कमलों से ये आज प्रवेश उत्सव और साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। आज हम लोग बीपीएल और एससी एसटी कैटेगरी के 14 बालिकाओं को आज हम लोगों ने निशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण किया गया है और पहली से लेकर दसवीं तक सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई हैं। सभी बच्चों को हम लोगों ने पहले से ही पूरा बुक्स प्रदान कर दिया गया है और साइकिल तो ये है कि सभी बच्चे सबके पास आने जाने का साधन नहीं रहता है तो कोई भी बच्ची जो है स्कूल आने से वंचित मत हो, सभी समय पर स्कूल पहुँचे, इसीलिए शासन का ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छा है। सभी बच्चे सबको साइकिल मिल जाती है तो सब टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रतिदिन स्कूल आते ही हैं सभी बच्चे और साथ में उनको बुक्स भी मिलता है और यूनिफॉर्म भी जो है यूनिफॉर्म का पैसा भी इन सभी बच्चों के खाते में चला जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल बेशर्त बहुत ही अच्छा जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बहुत ही लोकप्रिय है लोगों के बीच में और बहुत सारे पेरेंट्स लोग इतने खुश हैं कि उनके हर साल 25 से 30 हज़ार रुपये उन लोग पेमेंट करते थे प्राइवेट स्कूलों में और वही चीज़ यहाँ पर उनको निःशुल्क पूरी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतने अच्छे टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छा है तो इतनी अच्छी योजना है, इतने सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास सीट कम है और लोग अभी भी मेरे पास अभी भी 10-12 लोग पीछे खड़े हैं मैडम एडमिशन कर दो करके तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। 50 सीट्स हो गया फिर उसको 100 करना पड़ गया, अभी पहली छठवीं और नौवीं में 100-100 सीट कर दिए लेकिन अब दूसरी तीसरी चौथी में भी 100-100 सीट्स करने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग को बस यही है कि टीचर्स मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हर क्लास में 100 बच्चे करने। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने भी कहा कि उन्हें साइकिल पाकर बहुत खुशी हो रही है, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना काफ़ी साकार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार छात्राओं ने दिल से जताया। आज हमें साइकिल मिला है स्कूल में और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें साइकिल मिल रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि हमें स्कूल से आने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कभी, तो इस साइकिल से हम स्कूल आ सकते हैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें साइकिल दिया। मैं उन्हें बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और हमारे स्कूल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी हमारे स्कूल के लिए ऐसा ही अच्छे कार्य करते रहें और उन्होंने आज तक जो भी किया उसके लिए दहे दिल से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो इसी तरीके से हमारे स्कूल के लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ करते रहें और बस उसके लिए धन्यवाद। थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, थैंक यू फॉर गिविंग आवर साइकिल एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू द होल टीम ऑफ आवर स्कूल, माय टीचर्स, माय प्रिंसिपल एंड एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस मौके पर शाला के शिक्षक सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके पालकगण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से